पर मौजूद हमारे आदरणीय माननीय श्याम मिश्रा जी, जिला के अध्यक्ष व मेरे बड़े भाई जेपी जी, इस चांदनी चौक क्षेत्र के जुझारू निगम पार्षद व मेरे अभिन्न मित्र सुमन जी, व्यापार क्षेत्र के सारे प्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं और जो बंधु जिंदाबाद और भारत सरकार की मुर्दाबाद की नारे लगा के आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है और बहुत नमस्कार है। हम सब साधारण लोग हैं, यह विषय बहुत असाधारण है। इस असाधारण विषय को साधारण रूप से समझाने का प्रयत्न करूंगा। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदुस्तानी पिक्चर देखने, फिल्म देखने का बहुत आदि है, पसंद करता है। हम सब ने हिंदी पिक्चर देखा हुआ है, हिंदी फिल्में बड़े चाव से देखते हैं। अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है कि गरीब हीरो और अमीर हीरोइन का चुपके चुपके चोरी चोरी प्यार हो जाता है। गरीब हीरो और अमीर हीरोइन चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार हो जाता है। घर वाले समझाते हैं, बेटा लड़की ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, सभ्यता ठीक नहीं है, संस्कृति ठीक नहीं है, यहाँ शादी करोगे तो पछताओगे। मगर बेटा जो होता है उसे इश्क की बुखार चढ़ी हुई होती है, उसे केवल हीरोइन दिखती है, प्यार दिखता है, घर वाले नजर नहीं आते हैं। घर वाले समझाते रह जाते हैं मगर बेटा क्या करता है, गरीब हीरो अमीर हीरोइन को लेकर रात के अंधेरे में घर से भाग खड़ा होता है और दोस्तों के बीच शादी रचा लेता है। मगर कुछ दिनों के बाद अमीर हीरोइन की कारगुजारियों का पता लगता है कि अमीर हीरोइन क्या थी, इसने किस प्रकार जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर अब पछताव होत गया, जब चिड़िया चुग गई खेत तब हीरो के हाथ में कुछ नहीं रहता, हीरोइन डुगडुगी बजाती है और हीरो नाचता है। यह कई पिक्चरों में हमने देखा है और आज हिंदुस्तान की राजनीति में भी कोई ऐसी ही पिक्चर, कोई ऐसी ही फिल्म खेली जा रही है। भाग गए हैं, कौन भाग गए हैं? मनमोहन सिंह भाग गए हैं। किसके साथ भाग गए हैं? अमीर हीरोइन के साथ, वालमार्ट के साथ भाग गए हैं। और कहां से भागे हैं? संसद के पिछले दरवाजे को खोल के भाग गए। मगर हिंदी पिक्चरों में और इस कहानी में दो फर्क है। क्या फर्क है? हिंदी पिक्चरों में हीरो और हीरोइन रात के अंधेरे में भागते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है, घर वालों का डर, दुनिया वालों का डर कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसलिए रात में भाग जाते हैं। किंतु यह सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी बेशरम है कि मनमोहन सिंह जी वालमार्ट के साथ भाग गए, भरी दोपहर ही भाग गए, दिन में ही भाग गए। संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है, घर वाले सतर्क हैं, महंगाई, काले धन, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं होनी है, किंतु मनमोहन सिंह नदारद है। संसद पूछ रहा है कहां है प्रधानमंत्री, कहां है सरकार, तो पीछे से आवाज आती है, पीछे के दरवाजे से वालमार्ट के साथ भाग गए, शादी करने भाग गए। ये पहला फर्क था। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क है, हिंदी पिक्चर में घर वालों को तो लात मार देते हैं हीरो हीरोइन, किंतु दोस्तों को, यारों को नहीं छोड़ते, क्योंकि यारों को ही विटनेस बनाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं, दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते। किंतु यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ घर वालों को भी छोड़ दिया और दोस्तों और यारों को भी नहीं पूछा। तृणमूल कांग्रेस जो इनकी दोस्त है, डीएमके जो इनका यार है, मायावती जो इनकी सिपे सरदार है, सपा जो इनका कद्दावर मित्र है, वो सब बोल रहे हैं शादी हो गई, हमारे घर न्योता भी नहीं आया। अरे भाई ये क्या हो गया है? तो अपने लोगों पर ही इन्होंने वार कर दिया है, दोस्ती तक नहीं निभाई है। अब सरकार चारों ओर से गिर गई है। जब मनमोहन जी के पुतले जलाए जा रहे हैं तब मनमोहन जी चुपके से कह रहे हैं, भारत का खुदरा व्यापारी जो है
वो गरीब है, अमीर बहू लेकर आए हैं, ये सब ठीक कर देंगे। मैं मनमोहन जी से पूछता हूँ, मैं भारत सरकार कांग्रेस सरकार से पूछता हूँ, मनमोहन जी कांग्रेस सरकार जिस घर को उसके घर वाले ही ठीक ना कर सके, उस घर वालों को, उस घर को दूसरे क्या ठीक करें। जिस घर को, जिस बागीचा को बाहर ही उजाड़ गई, जिस घर वाले को, जिस घर को अपनों ने ही लूट लिया, उसे दूसरे क्या ठीक करेंगे। 1,76,000 करोड़ आपने लूट लिया, 70,000 करोड़ आपने लूट लिया। अब कहते हो विदेशी वालमार्ट बहू आएगी और गरीबों की चिंता करेगी, आज अचानक आपको गरीबों की सूझ रही है। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि गरीब के घर में अमीर बहू आ गई है, इसलिए सब ठीक कर देगी, महंगाई कम हो जाएगी। भाई साहब, महंगाई बढ़ाई किसने? महंगाई आपने बढ़ाई और अब आप कम करने की बात कर रहे हो। हाँ ठीक कह रहे हैं, कुछ दिनों तक महंगाई कम होगी, कुछ दिनों तक कम होगी, मगर उसके बाद क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते। मैं साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ क्या होगा। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि हजारों लाखों करोड़ इनके पास है, जब ये बड़ी कंपनियां आती हैं तो कुछ सालों तक, 4-5 साल तक प्रत्येक वर्ष 3-4 हजार करोड़ नुकसान पर चलेंगी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस विदेशी बहू के सेहत पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। तो 5-6 वर्ष के नुकसान सह लेंगे, 5-6 हजार करोड़ प्रति वर्ष के दर पे, और इस दौरान पूरे मार्केट को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। जिसके पास करोड़ों लाखों लगाने के लिए है, हमारे हिंदुस्तान भाइयों के पास कितना है? हमारे पास थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। इस दौरान प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, 6 वर्षों में हम सब खत्म हो जाएंगे और तब ये विदेशी बहू अपना असली रूप दिखाएगी, अपना असली शकल हमारे सामने लाएगी। दरदामों में बढ़ापा हो जाएगा और हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, यही असली शकल है इस विदेशी बहू की। मनमोहन सिंह जी कहते हैं रोजगार बढ़ेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगी। मैं पूछता हूं मनमोहन जी, अभी वर्तमान में खुदरा व्यापार में हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं कहीं ना कहीं खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, किसी की दुकान है, कोई दुकान में बेचता है, किसी की रेड़ी है, किसी का पटरी है, हम में से हर कोई खुदरा व्यापार से जुड़ा है। 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान के इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। मेरा प्रश्न है, 20 करोड़ लोगों के पेट पर लात मार के आप कौन सी ऐसे रोजगार देने वाले हो देश के, जिससे देश धन्य हो जाएगा। एक आंकलन कहती है कि यदि वालमार्ट आ जाए तो 4 वर्षों के अंदर 3.70% 3.70 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और मात्र 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगी। इसलिए किस तरह की रोजगार की आप बात कहते हैं, ये संभव ही नहीं है। फिर भी मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस सरकार कुछ समझ नहीं रही है, क्योंकि इश्क की बुखार जो उन्हें चढ़ा हुआ है, इश्क के इसी बुखार में वालमार्ट की तरफ देखते हुए मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, बोल वालमार्ट बोल, संगम होगा कि नहीं, संगम होगा कि नहीं। और वालमार्ट कह रही है होगा होगा होगा, मगर हिंदुस्तान की जनता कह रही है संगम।